विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर बवाल मच सकता है। साध्वी प्राची ने अल्पसंख्यक समुदाय पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि जालीदार टोपी पहनने वाले ही यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, ऐसे ही लोग भगवा गमछा डालकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और यूपी की योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। भगवा युवा वाहिनी बजरंग दल के लोग ये कानून का पालन नहीं कर रहे, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को ये अच्छे से नहीं चलने दे रहे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं अभी कानपुर के अंदर गई, उन्नाव से निकल रही थी तो जालीदार टोपी पहन करके ऊपर से भगवा साफा लगा करके दो बच्चे, समझ रहे होंगे कौन है। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो इतना बवाल मचा है, सड़कों पर जो गुंडागर्दी हो रही है, उसमें ना तो बजरंग दल का हाथ है और ना ही हिंदू युवा वाहिनी का। कहती हैं इसके पीछे कुछ लोगों की साजिश है जो भगवा गमछा डालकर आतंक मचाते हैं। भगवा युवा वाहिनी बजरंग दल के लोग ये कानून का पालन नहीं कर रहे, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को ये अच्छे से नहीं चलने दे रहे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं अभी कानपुर के अंदर गई, उन्नाव से निकल रही थी तो जालीदार टोपी पहन करके ऊपर से भगवा साफा लगा करके दो बच्चे, समझ रहे होंगे कौन है। मतलब इस देश में राजनीति के चाहे जितने रंग हो, इनकी राजनीति अमन में आग लगाने की है। वरना आप ही बताइए, ये कौन है जो कभी गौ हत्या के आरोप में लोगों को सरेआम पीटते हैं तो कभी लव जिहाद के आरोप में युवकों को बीच बाजार में धो डालते हैं। यूपी के बदायूं पहुंची थी साध्वी प्राची, लेकिन एक बार फिर वही कोशिश अमन के आंगन में जहर घोलने की। कहती हैं बुलंदशहर से लेकर मुरादाबाद तक जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे एक समुदाय विशेष के लोग हैं। एक के बदले 100 बेटियां उठाएंगे तब शांति आएगी। हमारी एक बेटी उठाएंगे तो उनकी 1000 उठा के लाओ तो उसी दिन रास्ते पे आ जाएंगे। बयान देकर पलट जाना, बयान देकर आग लगा देना, ये कोई नई बात नहीं है साध्वी प्राची के लिए। नई बात ये है कि इस बार साध्वी प्राची ऐसे वक्त में बोल रही हैं जब चुनाव नहीं है और जिस व्यवस्था को कोस रही हैं उस व्यवस्था को चलाते हैं अब महंत योगी आदित्यनाथ। हमारी एक बेटी उठाएंगे तो उनकी 1000 उठा के लाओ तो उसी दिन रास्ते पे आ जाएंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ जिस व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं उस व्यवस्था को ही साध्वी प्राची बैलून बनाकर उड़ाने में लगी है। अब साध्वी को जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने व्यवस्था के लिए स्वामी को ही चुनौती दे दी है। बदलते दौर में साध्वी अब तक नहीं समझ पाई है कि इनकी बकवास पर अब सब हंसते हैं। सौरभ शर्मा, इंडिया टीवी, बदायूं।